बोला अली भाई चलो बट बाजार ले जाएंगे भाई, गाड़ी खरीदा बोला मेरा भाई। तो मैं बोला नहीं चल सकते रे भाई, मेरे वाइफ की तबीयत खराब है, दुर्दशा में है, तुम्हारे को मालूम ही ना। बोले तो अच्छी बात है, बोल के अय्यूब खान से भी मिले हम लोग। बोलता जिस दिन का जजमेंट था अय्यूब खान का भी, उस दिन कुछ केस में आए थे, तो 7 बजे वहाँ गाड़ी धुलाने, धुलाने के बाद 3 जने थे, एक बच्चा आया अब्दुल्ला शादी जो देने वाले थे, वो जो गवर्नमेंट से वो जो पानी वगैरह आ गया उस्मान नगर में, तो एक बच्चा आया, अरे उस्मान जो अब्दुल्ला शादी जो देने वाले जो जमीन बोल रहे ना वो जमीन मेरी है बोला। तो बच्चा लगातार बोला शेख साहब को, शेख साहब मैं आपको ऑफिस में आता हूँ। बोले तो शेख साहब बोले मैं फोन करता हूँ। बोले तो बच्चा मैं उस जमाने पहले पहचानता हूँ बच्चे को, वो सूरत दिखाता हूँ। बच्चा यही बोला कि ऑफिस में एक बार 9 बजे रहना आप, क्यों बोलो मैं मीडिया वालों को भी बुलाते। शेख साहब बोले जो अब्दुल्ला शादी जो जमीन के बारे में बात कर रहा वो मेरी जमीन है, बोल के बच्चा पेपरा लाया, शेख साहब की जो गाड़ी थी कार में आए, आने के बाद 9 बजे मेरे को मेरे से बात भी हुई फोन पे, कहाँ है अलीम भाई। बोले तो मैं बोला मैं एक फंक्शन में हूँ भाई, जरा मैं घर को भी जाना है, घर पे सादा नहीं दिया। बोले तो 9:30 बजे उनसे मेरी बात हुई, इसके बाद ये सुने आया मेरे को इंतकाल हो गया। कहते भाई क्या इंसान को क्या हक्की आवाज रही तो क्या ऐसा मारते मेरे भाई, बोलो आप। अरे लगा लगा हिजड़ों से बता रहे लगा, अरे होम मिनिस्टर के भी धोखा गए हम लगा, होम मिनिस्टर साहब नहीं मिले महमूद अली साहब, अरे घुट्टे के पिया चुके चक्कर आवारे भाई, हाँ बालापुर के चक्कर आवारे, पुलिस किस काम की बोलो, पुलिस चाली यही काम की रह गई खाली मर्डर करना, 3 महीने रहना उसके बाद बेलने लेना, अरे कानून कुछ नहीं बदलता मेरे भाई। अरे कोई जनपल्ली में हकी आवाज उठाया तो क्या इसको ऐसा मारते, अरे लोग की तू है जिंदगी पे, याद रखो उनकी अम्मा की हाई बदवा कभी नहीं खाली जाएगी, याद रखो मैं भी खुराज शरीफ उठा के जुम्मे की नमाज में, हाँ रखो तुम लोग हथौड़ा मारोगा भाई, आज उनका बच्चा चलेगा तुम लोग का, आज क्या भी इतनी देखो, अरे हिजड़ा है रे तुम लगा मासूम बच्चे को मारते, घुस गया तुम लगा मर था अरे रोड पे निकल के मारो रे, और तुम लगा मर दे रे तू तुम्हारी जिंदगी पे, अरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे तो नहीं कर रहे भाई। और कहते भाई 10 बजे दूध पियो, 10:30 बजे भाई 11 बजे दूध की पैकेट लाने गया तो कहते मेडिकल वाला बोला अलीम भाई स्कॉर्पियो में आपको बच्चे ढूंढ रहे, बोला बच्चा भाई। मैं बोला जान दो भाई कोई होंगे मेरे चाहने वाले। बोले तो मेरे को दरी देर भाई ये मालूम हुआ हवा बोल के, तुम लोग इतना बदतर काम करते रे बच्चा। आज मीडिया वालों से कहना चाह रहे मेरे भाई जो हक की आवाज है ना आप लोग साथ देना, और उसको क्या करना अंडर ट्रायल चला के इसके ऊपर जेल भेजना उसको, और कौन खतर कराए कौन नहीं कराए मेरे भाई, आप लोग से मैं अपील कर दूं होम मिनिस्टर महमूद अली साहब आप दे दो इस्तीफा, आप नहीं संभाल सकते, आप मैं क्या बोलूं आप नहीं संभाल सकते साहब, आप इस्तीफा दे दो, आज उनका बच्चा चलेगा उनका मालूम, हर रखत बोल रहा बच्चा, आपको रिकॉर्डिंग में भी बोला और मैं भी बोला साहब ये बच्चे को मार देने वाले हैं, अरे मेरे को भी मारने की बहुत कोशिश करे, मैं कंप्लेंट कराया भगलपुर में आज तक एक्शन नहीं हुआ, उसे नीलम पे कराया मैं एक्शन आज तक एक्शन नहीं हुआ मेरे भाई, क्या हकी बोलने आवाज ये है बोलो आप। हाँ उसकी अम्मा बिचारी तड़वला रही, अगर बच्चा कोर्ट को पेशी को गया तो 10 अगस्त उसकी अम्मा फोन करती थी मेरा बेटा है मेरा बेटा, बोलो आप। अरे मेरे भाई आप लोग साथ देना, और जितने भी ये बैठे हुए हैं ना पॉलिटिशियन का पावर इस्तेमाल कर रहे सिर्फ कुछ नहीं है जनपल्ली में, मेरे जनपल्ली वालों से कहना चाह रहा मेरे भाई आपसे गुजारिश है, इलाकों तो पूरा लंगा नाच बताना आप लोग, कोई किसी को वोट डको डालो, मैं बोल रहा हूँ आपको जनपल्ली वाले आप लोग वोट डको डालो, हम सिर्फ मुसलमानों के यहाँ से लड़ते थे, वहाँ के लोग फोन करते थे, हम अल्लाह के दरवाजे पे थाड़ के बोलते खुराज शरीफ पे, हम किसी से 1 रुपया ले लिए, हम अगर डायर था तो हम हमारे किसी भाई से मांग लेते थे भीख, मालूम लोग हमारे को बदलाने कोशिश करे, हमारे को 20 लाख का ऑफर दिए, शेख वाजिर बोले अलीम भाई मेरे को 20 लाख का ऑफर आया, मैं बोला शेख साहब नको, शेख साहब भी बोले बोई जरूरत नहीं अलीम भाई अपन मरना है आज नहीं कल मौत है हमारी, कल हम बैठ के यहाँ पर 3:30 बजे बैठ के नामपल्ली करने खाना खाए कल डिस्ट्रेशन करे, तो मेरे को 7 बजे हमारी मुलाकात हुई तो मैं समझ गया, तो ऐसी की बात आती है मेरे भाई होम मिनिस्टर महमूद अली साहब आप इस्तीफा दे दो, आप कोई तारीखें नहीं है, पुलिस स्टेशन में भी कोई नहीं है, सुने आप दिन पे दिन मर्डर करते आप क्या करते साहब, अब लिख जाके दफना देते थोड़े दिन के बाद आप लोग दबा देते केस कुछ नहीं होता, असद साहब अकबर साहब से भी अपील कर रहा हूँ ये मर्डर करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कानून के नाम पहली नजर आ लोगों को बेल ही नहीं देना भाई, ये आप खास हो गया 3 महीने बेल रहे छोड़े, अरे आज लोग मर रहे भाई खतरा हो रहे, उसकी बीवी को 2000 रुपये वजीफे पे दे दे तो क्या जिंदगी हो जाती उसकी, बोलो आप लोग। अरे हैदराबाद का इतना बड़ा नाम रोशन पूरा बर्बाद कर दिए, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जाओ ऐसे मर्डर नहीं होते, सिर्फ हैदराबाद में मर्डर करना 3 महीने छूटना बस, लोगों के जमीन कब्जा करना ये फालतू कुत्तों के पीछे करना, हम आपको मौत नहीं है आज उसको मारे ना भाई, मेरे को भी मार दो मैं भी मेरे अल्लाह है मेरे साथ अकेला फिर तू शहर सुने, अब्दुल्ला सादी वहाँ के चेयरमैन और यूसुफ पटेल और एजुकेशन सविता रेड्डी मैडम कभी हार नहीं खाए, हाथ नहीं जाएगी रंजीत रेड्डी एमपी, एक मुसलमान बचाव हमारे मुसलमानों के खिलाफ लड़ता था,
आज बच्चे को मार देते तुम लगा, अरे वो शर्म की बात है, थोड़े से पैसे से दे देंगे, गंजेटों से मारने लगा देते आप लगा, वो शर्म की बात है। आज अल्लाह के दरबार में ठहर के तुम लगा उठा के कुरान शरीफ बोलो, ये बच्चे को तुम लगा मारने लगाए ना लगाए, खाली पॉलिटिशियन पे पुलिस काम कर रही, सुन आप फिर बेकसूर लोगों को कर रही। आज बेचारा बहुत खुश था, 7 बजे मिल गया मेरे को, अलीम भाई भाई गाड़ी खरीदा, घूमने देंगे, खाना खाएंगे बोल के बोला, तो मेरे को डाउट हो गया मेरे भाई। उसके पीछे 4 से 5 जने वहाँ सर्विसिंग सेंटर के थे, वो कौन मारे क्या मारे सीसी कैमरे में वो जो है मेरे को लोगों के ऊपर ही डाउट है। मैं मीडिया वाले भाई से कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ये जलपल्ली का कोई वीडियो ना को डालो मेरे भाई, जो करोड़ों का नुकसान, करोड़ों लाखों रुपए का जो हो रहा ना सेक्शन, कुछ नहीं है वो, सिर्फ जमीन है अपनी। आज उस्मान नगर में लोग देखो पाजे पे डूबे हुए है, कोई पूछने वाला नहीं है, करोड़ों के काम आ रहे, करोड़ों के अरे क्या करोड़ों के जी, जमीन कहाँ लग जाती, पैसा कहाँ लग जाता, हमारे कहने जब मैं 1000 रहता हूँ उसमें खुश है, हमारे बीवी खुश है, ये जमीन अमीनों के मसलों में हमको मत लाओ। आप लोग पॉलिटिशियन करके बेचारे की जान चले गई, आने वाले दिनों में वहाँ की पब्लिक सिखाएंगी, वोटिंग मत डालो मेरे भाई आप लोग। फसल तो आम खास हो गया, खतरनाक तो सब बरकरार रहेंगे, याद रखो आप, इनकी हाई बदबा कभी खाली नहीं देंगे मेरे भाई। होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, अगर आपके ऊपर अनलिमिटेड, अगर आप ये पूरी तहकीकात करके उसकी माँ को इंसाफ दिलाएंगे, उसके भाइयों को इंसाफ दिलाएंगे, आप बैठे हुए हैं ना, हम 2 घंटा के आप कहने गए और पूरी रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई वो, मगर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पुलिस को क्या कर रहे दबा दे रहे, कुछ ऑफिसर अच्छे हैं, कुछ ऑफिसरों को दबाने की कोशिश कर रहे, लिकपेटा लगा रहे, अरे कहीं के लिकपेटा रहा साहब, बोला आप कहीं के लिकपेटा, एक आदमी अगर हक का फैसला उठाया तो क्या आदमी को मार देते आप लोग,